आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। पोलियो के खिलाफ सुरक्षा, भारत के लिए निष्क्रिय पोलियो टीका आवश्यक है। भारत के लिए निष्क्रिय पोलियो टीका क्यों आवश्यक है? क्या भारत पूरी तरह से पोलियो वायरस से मुक्त है? ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी के खिलाफ इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन आईपीवी की सिफारिश क्यों नहीं की जाती है? है भारत आईपीवी के प्रशासन में देरी क्यों कर रहा है? जीएस पेपर 2 स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे। इस वीडियो में आप सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं। उपरोक्त लेख से प्राप्त किया गया है। जो हम प्रदान कर रहे हैं वह पूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमूना है। हमारी वेबसाइट www.hindi.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हों। ये किस संदर्भ में है? हाल ही में टाइप 2 पोलियो टीका वायरस कुछ सीवेज और मल नमूने में पाया गया था। टाइप 2 टीका वायरस का पता लगाने से संकेत मिलता है कि संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित एक बहुत मजबूत पोलियो निगरानी अभी भी बनाए रखा गया है। हालांकि देश में पिछले जंगली पोलियो वायरस मामले की सूचना के बाद से 7 साल बीत चुके हैं। इस पहचान ने टीका युक्त एक प्रकार 2 पोलियो वायरस का उपयोग इंगित किया। इस तथ्य के बावजूद कि त्रिकोणीय मौखिक पोलियो टीका TOPV जिसमें टाइप 2 पोलियो वायरस टीका शामिल है को विश्व स्तर पर और भारत में अप्रैल 2016 में चरणबद्ध किया गया था। भारत के लिए निष्क्रिय पोलियो टीका क्यों आवश्यक है? 1988 से जंगली पोलियो वायरस उपभेदों में 99.9% की कमी आई है। दुनिया पोलियो को खत्म करने की ओर अग्रसर है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिक बच्चे आज मौखिक पोलियो टीका ओपीवी में निहित लाइव कमजोर वायरस से प्रभावित होते हैं जो उनकी रक्षा के लिए हैं। टीका में कमजोर वायरस पर्यावरण में फैल सकता है, कभी कभी न्यूरोवायरुलेंट चालू कर देता है और असुरक्षित बच्चों में टीका व्युत्पन्न पोलियो वायरस VDPV का कारण बनता है। क्या भारत पूरी तरह से पोलियो वायरस से मुक्त है? पोलियो वायरस के 3 प्रकार होते हैं जो रोग की बीमारी और संचरण का कारण बनते हैं, जिसमें वन्य पोलियो वायरस 2.1 दशक पहले सफलतापूर्वक बाधित था। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में देखे गए 2 शेष वायरस पोलियो वायरस 1 और पोलियो वायरस 3 हैं। VDPV और VPP से छुटकारा पाने के लिए IPV जंगली प्रकार के पोलियो वायरस उन्मूलन के लिए आवश्यक है। एक बार जब हम इन 2 वायरस को अपने ट्रैक में रोक देते हैं तो OPV चरणबद्ध हो जाएगा और IPV के साथ विश्व स्तर पर बदल दिया जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV के खिलाफ इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन IPV की सिफारिश क्यों नहीं की जाती है? पोलियो टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य बीमारी को रोकने के लिए है। OPV इसे हासिल करने में असफल रहा। OPV का इस्तेमाल उन्मूलन के उद्देश्यों के लिए किया गया था। जब आप टीका देते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को पोलियो न मिले। केवल IPV ही ऐसा कर सकता है। एक बच्चे को OPV की कई खुराक दी जानी चाहिए, फिर भी OPV पूरी तरह से बच्चे की रक्षा नहीं करता है। भारत IPV के प्रशासन में देरी क्यों कर रहा है? IPV पर स्विच न करने का कारण ये है कि वैश्विक उत्पादन भारत की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम था।
सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए भारत को प्रतिवर्ष 1948 मिलियन खुराक की जरूरत है।